नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बाराबंकी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों को बेसिक शिक्षा विभाग ने चिन्हित कर लिया है। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में लगभग 44 स्कूलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के चलते चिन्हित किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि जिसको लेकर पूरी कार्य योजना बनाई गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान, स्कूल और खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया गया है। इस संबंध में सभी को अलर्ट किया गया है। लगभग 40 विद्यालयों का चिन्हांकन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किया गया है, जिनके लिए पूरी कार्य योजना जिला प्रशासन को और विद्यालयों को, संबंधित ग्राम पंचायतों को, खंड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है कि 40 विद्यालय जैसे हैं जहां से बाढ़ प्रभावित होते हैं और उनका उस अवधि में जब वो बाढ़ प्रभावित होंगे उस अवधि में उन विद्यालयों का कहाँ संचालन किया जाएगा, उनके मध्यान्ह भोजन कहाँ उपलब्ध कराया जाएगा, अध्यापक कैसे कर काम करेंगे, इस बारे में विस्तृत कार्य योजना मतलब हम लोगों के पास है और उस संबंध में कोई समस्या की बात नहीं है। वहीं खागा तहसील क्षेत्र के विद्यालयों में कुछ दिनों से फैली आंखों के कंजंक्टिवाइटिस बीमारी को देखते हुए बाल मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजा कपूर सिंह ने हरदोष चिकित्सा प्रभारी को आंखों में फैली बीमारी की जानकारी दी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी शिव शंकर यादव ने डॉक्टरों की एक टीम डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह और डॉक्टर ओपी सिंह को बाल मंदिर इंटर कॉलेज भेज दिया। विद्यालय पहुंची टीम ने संक्रमित बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए सावधानी बताते हुए कहा कि सभी बच्चे अपनी आंखों की सिकाई बर्फ व ठंडे पानी से करें, धूप में ना निकलें, आंखों में बार बार हाथ ना लगाएं और काले चश्मे का प्रयोग करें। चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, यह एक वायरल बीमारी है जो कि 3 से 4 दिन में ठीक भी हो जाती है, घबराने की कोई बात नहीं है। टीम द्वारा बच्चों को मुफ्त दवाई वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य और स्टाफ के लोग भी मौजूद रहे। खबर हमीरपुर जिले के सदर मुख्यालय के जखोरिया डेरा के पास बेतवा नदी से है, जहां पर नदी से भैंसे निकलने गई और वृद्ध की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं जौरिया डेरा निवासी कुसिया पत्नी साजन निषाद बेतवा नदी किनारे अपने जानवर चरा रही थी। वहीं नदी में तैर रही अपनी भैंसों को निकालने जैसे ही वह नदी के पानी में गई, वहां बने गड्ढे में डूब गई। वहीं कुछ दूर अपने जानवर चरा रहे वृद्ध के परिजन ने पास आकर देखा तो वृद्ध महिला का शव नदी में बने गड्ढे में फंसा हुआ था। इसके बाद उसने इस घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सामने हुई तब फिर उसके देखा ना उसका डामा डाली थी उठा के हम टांग के धरो और फिर बोला बड़े आओ फिर भागेदार नारी खत्म हो गई, नदी में डूब गई। क्या नाम है आपका? हमारा पक्षी नाम जानवर चलाने आए थे, 9 बजे घर से लेके आई है और उसके बाद में यहाँ खाना पीना खाए हैं, यहाँ नहाए धोए हैं, फिर उसके बाद में पता नहीं है कि क्या हो गया है, डूब के खत्म हो गए। नदी में कौन सी नदी है ये? बेतवा। हमारे चाचा यहाँ हैं, वो हमारे चाचा निकाले हैं तो उन्हें नारी आरी देखा तो नहीं मतलब चल नहीं रही थी, मृत्यु हो गई।
उधर बाराबंकी जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 22 जुलाई और 15 अगस्त को बड़े पैमाने पर होने वाले वृक्षारोपण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि इस बार विभाग 13,000 पौधे लगाएगा। वहीं लोक निर्माण खंड 3 के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राय ने बताया कि वन विभाग की ओर से 13,000 वृक्षों को लगाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी पौधों को 22 जुलाई और 15 अगस्त को लगाना है। 650 पौधे 15 अगस्त को उनके खंड द्वारा लगाया जाना है। वहीं 4,000 पौधे 22 जुलाई को लगाए जाएंगे। इसमें बाराबंकी में 13,000 वृक्षों का जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दिया गया है। यहाँ पे 3 खंड कार्यरत हैं, प्रांतीय खंड, निमाड़ खंड 1, निमाड़ खंड 3। तीनों खंडों द्वारा 13,000 पौधों को हम लोग समय से लगा लेंगे। 22 जुलाई और 15 अगस्त डेट फिक्स किया गया है। 650 पौधा 15 अगस्त को इस खंड द्वारा लगाया जाना है। बाकी 4,000 कुछ पौधे लगाए जाने हैं, 22 जुलाई को लग जाएगा। उसकी पूरी तैयारी हो गई है, गड्ढे खोद लिए गए हैं, पौधे वन विभाग से प्राप्त कर लिए गए हैं, जेई एई सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं फर्रुखाबाद पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से अब गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, इससे तराई और कचरी क्षेत्रों में खतरा और बढ़ गया है। कौफजदा ग्रामीण अपने को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। गंगा पार में 100 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बदायूं बरेली को जोड़ने वाला हाईवे पर भी 4 फीट तक पानी चल रहा है। वहीं जरियानपुर शाहजहांपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर चौराहा गांव के सामने रोड पर करीब 3-3 फीट पानी बह रहा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पीएसी फील्ड कंपनी 12A और बटालियन के 26 जवान और 4 मोटर बोट ने मोर्चा संभाल लिया है। ननौर बैराज से गंगा में लगातार 5वें दिन 4,00,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। इससे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। पंचाल घाट पुल पर गेज 137.10 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। यहां खतरे का निशान 137.10 मीटर पर है। वहीं रामगंगा नदी का स्तर गेज 135.70 मीटर पर पहुंच गया है। किधर से आना कैमरे किधर से साइड से ये लगभग हो गए 8-10 दिन हो गए लगातार पानी बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति खराब हो रही है, घरों तक पानी पहुंच गया है। यहाँ हमारे एक पड़ोस में मकान बना हुआ है, इसके बेचारे के रहने के लिए जगह नहीं है, पूरा सामान उसका बुड़ गया है और पूरा मकान उसका भर गया। वहाँ रमनपाल का पूरा मकान भर गया है। आसपास के कितने गांव लगभग तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर फसलों की बात कर ली जाए तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पर? देखिए सर, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ ज्यादातर गन्ना फसल होती है। धान तो कम मात्रा में लगाया जाता है, लेकिन गन्ना में एक फसल होती है 84-36 जो कि छोटी किस्म का फसल है, उस वो 100% नुकसान हुआ उसका। आज 3 दिन हो गए साहब। अच्छा, 3 दिन हो गए। रोटी बनाई थी कल ही मैंने सवेरे, परम सवेरे, तब नेक सूखो हुआ तो और फिर पानी में हमने रोटी बनाई, बहु नलू बड़ू सामने बहु पानी में रोटी बनाई, ने जगह खाली डाली थी चूल्हे थी, वहाँ रोटी खाना बनाओ, मैंने खाना बनाई के जो हर साल पानी में भर जाता, हर साल भर जाती हर साल। ये सर हालात बहुत खराब है और खास तौर से हमारे हालात बहुत खराब है। मेरा घर जो है पहले बनवाया था हमने, मेरी मम्मी का इंदिरा आवास बना हुआ था, करीब 20 साल हो गए, अब वो जर्जर भी हो चुका है और ना प्रधानमंत्री आवास योजना भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यस, गंगा का पानी कितना दिनों से बढ़ रहा है? ये तो अब आज करीब 4 दिन हो गए लगातार, और हमारे घर पे तो आज पूरे दिन मैंने भोजन नहीं किया जो है, ना हमारे यहाँ बना ना किया मैंने जो, मतलब 5-6 दिन से भर रहा है। कितना घरों में भर गया होगा? घर भर गए हुई करीबन, नहीं तो 50-60 तो ऊपर ही भरे हुए। रामपुर में क्या हालात है? हालात बहुत गंभीर है जी। कितने फुट पानी चल रहा है तुम्हारा? पानी इतना इतना चल रहा है, मक्का तो चली गई, मूंगफली वो भी चलोगे, गन्ना बो चलोगे, थोड़े बहुत जो बचोगे। ए किधर से आना कैमरे किधर से साइड से।
खबर जालौन के कोंचो चौराहे के पास से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बस कार गैराज में जा घुसी। बता दें कि शराब के नशे में धुत परिचालक बस को चलाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हुई टक्कर में बस की चपेट में आने से गैराज में खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं गैराज में काम कर रहे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। आसपास के दुकानदारों ने बस चला रहे परिचालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह के द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान के दौरान थाना धरोहरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दोनों चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान सिसोया रोड के पास से चोरी की दो अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया है कि दोनों मोटरसाइकिलों को जनपद बहराइच से चोरी किया गया था और साथ ही साथ गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा थाना धौरहरा पर पंजीकृत वाहन चोरी से संबंधित दो अभियोगों में वाहन चोरी कर बेचने के संबंध में भी बताया गया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का चालान न्यायालय में भेजा गया है। खबर जालौन से है, जहां पर युवा वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। बता दें कि चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो युवा वैज्ञानिकों को जिलाधिकारी जालौन ने ट्वीट कर बधाई दी है। जिलाधिकारी ने उरई के रहने वाले अतुल निगोतिया और अंकुर तिगुनायक को बधाई दी है। ये बहुत ही हमारे जनपद के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से दो वैज्ञानिक जो जिनकी पढ़ाई भी यहीं पे संपन्न हुई है, हाई स्कूल पास है यहाँ से, और आगे उन्होंने अपनी जो हायर स्टडीज़ हैं वो अन्य जगह से परसू करी है, और वो दोनों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है चंद्रयान 3 में। इनका नाम अतुल निगोतिया और अंकुर त्रिगुनायक है, और ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही प्रेरणादायक है यहाँ के सभी छात्रों के लिए, लोकल बच्चों के लिए, और हमें ऐसे रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है। खबर लखीमपुर से है, जहां पर निकाह के बाद पति ने दो दो बार तलाक दिया है और फिर अपने बहनोई से हलाला करवाने के बाद वापस तलाक ले लिया, और इतना ही नहीं तीसरी बार तलाक के बाद फिर हलाला का दबाव बनाया। वहीं पीड़ित पत्नी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चार लोगों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस ने पति और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। ये जो मामला है, ये तो कोतवाली सदर का मामला है, और इसमें एक महिला ने आकर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके पति और उसके पति के रिलेटिव द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया है। इस संबंध में जो महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली सदर में सुरंगा धारा में मुकदमा लिखा गया, विवेच चल रही है। साक्ष्य के आधार, साक्ष्य जो भी कंपाइल होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। इस दौरान उन्होंने संबोधन किया और अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश से विजय कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, विभिन्न विभागों के हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण
और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित सभी यहां पर उपस्थित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 1.5 वर्ष के अंदर या 21वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व सहयोगियों ने आपके सामने विस्तार से कहा कि मात्र 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता अभिभावकों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक साथ डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93, कोषाधिकारी के 12, नायब तहसीलदार के 44, राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी के 2 और व्यवस्थापक के 3, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी के रूप में 12 और प्रावधिक सहायक के 41, विशेष कार्याधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1 और प्रबंधक के 14, खाद्य और रसद विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के श्रेणी 2 के 6, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1 और आयुष विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में 422। इसके साथ ही नगर विकास के सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी के 10 पदों पर, यानी कुल 700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करके नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आप आज अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक का आपका जीवन ज्यादातर का अपने माता पिता अभिभावक पर निर्भर रह करके, प्रतियोगी परीक्षाओं, पहले अपने डिग्री लेना, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अब नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही आपको विभिन्न विभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर प्राप्त होगा, यानी एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत आपके जीवन की प्रारंभ होने जा रही है। और इसमें लगभग 30 से 35 वर्ष का एक कालखंड आपके पास होगा अपने को बनाने का, संवारने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का एक अवसर आप सबके सामने होगा। और जिससे इसीलिए नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को हम जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब यहां पे आपने देखा होगा हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे, वे उन बातों को कह रहे थे जो उनके अनुभव पर आधारित थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसंगों का उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी बात को आपके सामने रखा और यही व्यावहारिक जीवन से अब आपको सामना करना है। और व्यावहारिक जीवन ही एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी किस रूप में, स्वाभाविक रूप से यहां पर जो दो महत्वपूर्ण विभिन्न विभागों के हमने यहां पे नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर के और 93 डिप्टी एसपी के यहां पे नियुक्ति पत्र भी जारी हो रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कॉमन मैन से जुड़ी हुई जितने विभाग हैं,
आम जनमानस की शिकायतें या आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या इन्हीं सब विभागों से इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये विभाग लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए सही तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर लें, अहंकार से मुक्त होकर के कि मैं अब अधिकारी हो गया हूं, डिप्टी कलेक्टर हो गया हूं या डिप्टी एसपी हो गया हूं, मैं क्यों सामान्य नागरिक से मिलूंगा, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को कभी अच्छे अधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति के कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति स्वयं कहे कि मैं बड़ा आदमी हूं तो उससे वो बड़ा नहीं होता। कोई व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मैं अधिकारी हूं और अधिकारी के रूप में कोई मुझे बिना किए ही सम्मान दे, तो मुझे लगता है ये एक सपना होगा। याद रखना, ये भारत है और भारत में तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जब लोकतंत्र नहीं था और पश्चिम में मानती थी कि आक्रांता इस देश में आएंगे, आकर के वह रौंद करके किसी को भी अपना गुलाम बना देंगे, इस देश ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। याद करिए, सिकंदर इस देश में जब हमला करने के लिए आ रहा था तो सिंध के तट पर किसी ने बताया कि एक सन्यासी रहता है। वो समझता था कि सन्यासी होगा तो काफी उसके पास बहुत कुछ होगा। तो उसने देखा एक झोपड़ी में बैठा हुआ, एक सामान्य सी गुफा में बैठ करके वह व्यक्ति धुनी रमाया है। लोग उसके इर्द गिर्द आकर के उसका दर्शन कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। उसके सेनापति ने कहा कि तुम्हें तो सिकंदर महान ने बुलाया है, चलिए। उसने कहा कौन सिकंदर? कहा रे विश्व विजेता सिकंदर। उसने कहा देखो विश्व विजेता वो कभी नहीं हो सकता है, विश्व विजेता तो एक ही है और परमपिता परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। यह भारत का एक सामान्य नागरिक इस भाव के साथ जीवन यापन करता है और हम में से किसी को भी यह पालना नहीं चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हमने सब कुछ अर्जित कर लिया है। एक सामान्य नागरिक के प्रति जितना हम संवेदनशील बन पाएंगे, जितना अधिक मेहनत कर पाएंगे, याद करना 30 से 35 वर्ष की जो इस सेवा का एक कालखंड आपका होगा, वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड होगा और इसकी नींव अगले 10 वर्ष के अंदर आपको तय करनी है। जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी ईमानदारी के साथ इस नींव को मजबूत कर सकते हैं, न केवल 30-35 वर्ष का बल्कि उसके बाद भी जीवन पर्यंत के लिए वह आपको एक आत्मिक संतुष्टि का आधार भी देगा। और नहीं तो हम लोग देखते हैं कि 10 वर्ष का कालखंड में अगर एक बार थोड़ा इधर उधर तांत झांक हुई नहीं, इसके बाद फिर वो लुढ़कना प्रारंभ कर देता है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि समय के पहले उनको। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।